नमस्कार। आज की वीडियो हम एक विशेष उपचार के साथ लेकर आए हैं, एक सॉलिड केस जिसको एक्यूप्रेशर के द्वारा सुलझाया गया है, और उसके लिए हमने आज अपनी स्टूडेंट नेहा गर्ग जी को आमंत्रित किया है स्टूडियो में। इन्हीं के द्वारा इस केस को सुलझाया गया है, ये उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगी और किस तरह से, किस कंडीशन में केस आया था, किस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या उसके लिए प्रोटोकॉल दिया गया है, वो सारी बातें नेहा जी आज आपको बताने वाली हैं। नेहा जी जी नमस्ते सर, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नेहा गर्ग, सर की स्टूडेंट, आप सभी की कोऑर्डिनेटर। आज मैं आप सबके पास एक केस लेके आई हूँ जो सोल्व हुआ है सर के आशीर्वाद और सर के जो चीजें सर ने मुझे बताई उनसे पूछ के मैंने की, उससे मैंने केस को सोल्व किया है जो मैं आप सबके सामने आप बताने जा रही हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए जिनका नाम था प्रिंस शर्मा, अलीगढ़ रहते थे वो, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे गाजियाबाद अपनी सिस्टर के घर। उससे पहले वो काफी थेरेपीज में ट्रीटमेंट ले चुके थे लेकिन उन्हें कहीं कोई भी आराम नहीं था। 2.5-3 साल वो परेशान होके मेरे पास आए हैं। किसी ने रेफर किया कि आप एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट लो, तो जब वो मेरे पास आए थे तो काफी परेशान थे, उनके पेट में काफी दर्द था, वीक थे, काफी उन्हें कमियां थी, माइंड से भी वो इतना ज्यादा मतलब पजल हो चुके थे कि उनके माइंड में ये आ गया था कि अब तो मैं ठीक ही नहीं होऊंगा। तो मैंने उन्हें खूब अच्छे से समझाया, काउंसलिंग की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ठीक हो जाओगे। और तब आए थे तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि मेरे पेट में दर्द है गैस एसिडिटी। मैंने 1 वीक उन्हें ट्रीटमेंट दिया गैस एसिडिटी का, पेट दर्द का, बट मुझे रियलाइज हुआ कि वो भी आके बता रहे थे कि उन्हें ज्यादा कोई आराम नहीं है। और मैंने उन्हें कुछ जांचें कराने के लिए बताई तो उन्होंने वो की, तो उससे पता चला कि उनको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो उसके बाद मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जिससे उन्हें काफी आराम आया, उनकी नाभि भी गई हुई थी, नाभि का ट्रीटमेंट दिया मैंने, उन्हें नाभि पंप दिया कि आप सुबह रोज लगाइए खाली पेट, और उसके साथ साथ उनको पॉइंट्स दिए तो उनको काफी रिलैक्स आया। 2.5-3 महीने पहले जब वो आए थे ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत परेशान थे, मैं मुझसे उन्होंने 2 मंथ ट्रीटमेंट लिया है और उन्हें इतना आराम आया, ठीक होके गए यहाँ से। प्रिंस शर्मा जो ये रहते हैं अलीगढ़ में रहते हैं, अभी 3-3.5 महीने होने आए हैं, उन्हें बिल्कुल आराम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब वो ठीक है। मैं स्टूडियो में उन्हें लेके आ रहे हैं आप सभी के सामने, वो जो उनके एक्सपीरियंस थे आपके साथ शेयर करेंगे कि मैंने उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया है और कैसे दिया है। जी सर, प्रिंस जी, हम जानकारी सर चाहेंगे, आप कहाँ से हैं, अपना परिचय दें। नमस्ते सर, सर मैं अलीगढ़ से हूँ। जी, आप जब नेहा जी के यहाँ आए थे, कितने दिन पहले आए थे? मेरे को अराउंड 2 मंथ मैंने आपसे ट्रीटमेंट लिया था तो काफी रिलीफ मिला था मेरे को मैम आपके पास से। अच्छा, जब क्या आप क्या शुरू में आए थे तब क्या क्या जी? समस्याएं थी आपको? तो सर मेरा नेवल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम थी, ब्लॉटिंग थी, कॉन्स्टिपेशन था। अच्छा, तो फिर किस किस तरह से आपको आराम मिला? और एसिडिटी मैम डे बाई डे मैम ने मेरी मतलब मेरे से पूछती थी मेरे डेली रूटीन, और जो गाइड करती थी उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट देती थी, तो हाँ, धीरे करके उसी अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा फर्क फर्क मिलने लगा था। अच्छा, इन्होंने आपको एक्यूप्रेशर थेरेपी वाला ट्रीटमेंट दिया, मैग्नेट अप्लाई किए जी सर और नाभि पंप लगाया, जी इस सर तरह से आपको ट्रीटमेंट दिया है इन्होंने। जी तो सर अभी आपका क्या कहना है, आपको आराम है, ठीक है आप? हाँ आराम है मुझे जी। ठीक है, धन्यवाद प्रिंस थैंक जी। यू सर। हाँ, अब मैं नेहा गर्ग जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इनके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया है, किस तरह से हुआ है, पूरा विस्तार जी से सर बताइए कि अगर कोई थेरेपिस्ट लोग हैं और वो उसे समझना चाहते हैं तो वो उसे समझ के उपयोग में ला सके। जी, पहले तो मैं आप सभी से यही कहूंगी जो एक्यूप्रेशर पे बिलीव नहीं करते हैं प्लीज इस थेरेपी पे बिलीव कीजिए, जो अवेयरनेस की कमी है
उसको दूर कीजिए। एक्यूप्रेशर बहुत अच्छी थेरेपी है। प्रोफेशन को अच्छे से समझिए और जब भी आप किसी को ट्रीटमेंट दे उसको पूरे तरीके से और अच्छे से लोकेशन को देख के दे, ताकि एक्यूप्रेशर में लोगों को अच्छे से फेथ हो, उन्हें अच्छे से आराम हो। तो मैंने जो इनको भैया प्रिंस को जो ट्रीटमेंट दिया था वो ट्रीटमेंट ये था कि पहले जब गैस और एसिडिटी का दिया तो कुछ पॉइंट दिए थे ST 21-25 मैंने सजेस्ट किए थे इनके, तो उससे इनको गैस में रिलीफ मिला। पेट दर्द के लिए CV3 और LI4। उसके बाद जांच के बाद मुझे पता चला, फिर मैंने इनका IBS का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसमें मैंने CV8 CV3 P6 LI4 SI3 मैंने 1 वीक के लिए सजेस्ट किया, ST 45, LI 11, UB 21 और H7। इन्हीं सभी पॉइंटों को मैंने सिडेट किया और Liver 8 और SI3 को 1 वीक बाद मैंने टोन करना स्टार्ट किया। फिर इनको काफी रिलैक्स था और आज ये ठीक हैं। आपके फॉर्म में इन्होंने बात की है, अब ये अलीगढ़ चले गए हैं वापस मेरे पास से ठीक होके। धन्यवाद। तो यहाँ पर नेहा गर्ग जी ने आपको IBS का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शेयर किया है और एक ऐसे केस का जिसको इन्होंने सॉल्व कर दिया है। पेशेंट अभी ठीक है, उन्हें आराम है, इन्होंने उसको एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा ठीक किया है। किसी भी तरह की कोई दवाई उन्होंने उन्हें नहीं बताई, कोई दवा का उपयोग नहीं किया गया है और बिना दवा के एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा ठीक किया है। तो जैसा इनका भी संदेश है कि आप लोग एक्यूप्रेशर पर विश्वास करें, इससे केवल साधारण ही नहीं कठिन रोग भी ठीक होते हैं और पूरी तरह से ठीक होते हैं। मुझे पूरी आशा है नेहा गर्ग जी के द्वारा बताया गया उपचार आप लोगों के लिए जरूर लाभदायी रहेगा। आप इसको उपयोग में लाकर ऐसे लोगों को स्वस्थ कर सकेंगे जिनको इस तरह की समस्या है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।